अगर आप ऑटोकैड यूज करते हैं तो लगभग आप सारी कमांड जानते होंगे। ऐसी काफी सारी कमांड्स हैं ऑटोकैड के अंदर जिनके बारे में लगभग सभी को पता होता है, लेकिन ऐसी कुछ ऐसी कमांड्स हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, या फिर अगर आप आर्किटेक्ट हैं या फिर इंजीनियर जो ऑलरेडी ऑटोकैड के ऊपर काम कर रहे हैं तो ऐसी काफी सारी सी डिफिकल्टीज आती है जो कि नॉर्मल कमांड्स से सॉल्व नहीं हो पाती। इसके लिए फिर हमें अलग कमांड के जाना पड़ता है और ऐसी कमांड्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो ऐसी आज हम टॉप 5 कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ना सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज हो सकते हैं बल्कि इन कमांड्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस केयर एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त रजत फासल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसी 5 कमांड्स के बारे में जो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए तो आप इनके बेसिस पे ना सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को बढ़िया बना सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी कुछ कमांड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने इन्हीं कमांड्स को लेकर हमारे कोर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है जो कि हमारे पीटीएस कैट एक्सपर्ट ऐप के ऊपर अवेलेबल है। जी हाँ, ऑटोकैड का कोर्स जो है वो ऑलरेडी पीटीएस कैट एक्सपर्ट के ऊपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है, जहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं और अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट कमांड, दैट इज कमांड एलियासिस। कमांड एलियासिस एक बड़ी यूनिक कमांड है, अपने आप में ही बहुत ही यूनिक कमांड है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी नई कमांड्स को जनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ में हम उसमें एडिट भी कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और आप ऐसी काफ़ी सारी ऐसी कमांड्स आती हैं जो कि बहुत लंबी हैं, जैसे कि एक कमांड मैं यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ। एग्जांपल के लिए एक लाइन टाइप करके एक कमांड आती है जो आपने ज़रूर पढ़ी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन टाइप आ रहा है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फिर वो लाइन टाइप ही आता है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसी कमांड के लिए कोई शॉर्टकट किया जाए तो कितना अच्छा हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है एक्सपेक्ट टूल में और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कमांड एलियासिस। इसकी जो कमांड है वो है एलियास एडिट, कमांड है एलियास एडिट। तो एलियास एडिट कमांड लगाएंगे, जैसे मैं कमांड लगाऊंगा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड देन दिस ऑप्शन विल बी ओपन। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हम यहाँ पे कमांड्स को देख रहे हैं, उनकी शॉर्टकट कीज को देख रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे तो जाता हूँ, सबसे पहले मुझे एक नई कमांड ऐड करनी है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये कमांड है हमारी लाइन टाइप की, इस तरीके से हमारी एलियासेस है और ये हमारी कमांड लाइन है। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि एक नई कमांड आए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करेंगे ऐड, ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगी नई कमांड। तो पहले तो आप यहाँ पे डालें कि कौन सी कमांड आप चाह रहे हैं, जैसे मैंने डाला लाइन टाइप, तो लाइन टाइप में जाएंगे और यहाँ पे मैं इसकी कोई शॉर्टकट की डिफाइन करूँगा, जैसे मैंने रखा एल आई करके, ठीक है, एल आई करके हम रखेंगे और मैंने किया ओके। तो यहाँ से मुझे करना है यस, ओके एंड देन अप्लाई। एक अगर मैंने यहाँ पे चेंज किया तो पूरे में चेंज होगा, तो यहाँ पे एंड यस ओके। तो अब देखिए, अगर एल आई एंटर करता हूँ तो तुरंत देखिए हमारे पास कमांड डायरेक्ट आ रही है। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि जिसके थ्रू आप नई कमांड्स को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जहाँ से आप अपने आप कमांड को एडिट कर सकते हैं, वो है यहाँ से, अगर आप यहाँ पर जाएँ शो मेन्यू बार पर, और यहाँ से अगर मैं टूल्स पे जाता हूँ और कस्टमाइज में जाके एडिट प्रोग्राम पे जाता हूँ, तो यहाँ पे एक फाइल खुलेगी जिसके लिए एक नोट पैड फाइल है, एक EDP फाइल है। यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे कि एक फाइल आती है PDP फाइल है, आप इस फाइल से भी आप कर सकते हैं कि आप यहाँ से डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम फंक्शंस के अंदर जाके चेंज कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे भी आप जाके डायरेक्टली कमांड चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको लाइन टाइप के बारे में सब सारी कमांड्स मिल जाएंगी। जैसे कि देखिए लाइन टाइप की जो कमांड है वो हमने एल आई एंटर कर दिया था, आई थिंक एल टी एंटर हुआ है यहाँ पे, लेकिन हमने एल आई एंटर किया है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहाँ पे हमने जो चेंज किया वो यहाँ पे भी चेंज हो गया, तो जो हमारा PDP फाइल है वो भी यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो इन कमांड ऑप्शन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी पांचवी कमांड, वो है कमांड एलियासिस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड की तरफ, वो है आर्क अलाइंड।
आर्क अलाइंड एक ऐसी यूनिक कमांड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आर्क के ऊपर एक टेक्स्ट दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक प्लान ओपन किया हुआ है यहाँ पे। मान लीजिए मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक टाइटल बने और इस तरह से कर्व में आए टाइटल। जैसे मैंने ये पूरा प्लान तैयार कर रखा है, मुझे यहाँ पे एक टाइटल चाहिए पर कर्व के ऊपर चाहिए, जैसे एक आर्क हो उसके ऊपर टेक्स्ट आए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक आर्क दूंगा और उसके ऊपर हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया, एक आर्क ले लिया, हम यहाँ पे 3-point आर्क ले रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास आर्क आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सप्रेस टूल में जाना है और यहाँ पे आपको आर्क अलाइन का ऑप्शन मिलेगा जिसकी कमांड है आर्क टेक्स्ट, ठीक है। क्या कमांड है, आर्क टेक्स्ट। तो आर्क जैसे टेक्स्ट आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया आर्क टेक्स्ट के ऊपर ही, और ये देखिए इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा कि आपको टेक्स्ट की हाइट बतानी है, क्या रखना है क्या नहीं रखना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप टेक्स्ट की हाइट बता सकते हैं आपको कितनी रखनी है। सपोज़ मैंने यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट डिफाइन की 5। यहाँ पे आप इसका ऑफसेट बता सकते हैं, विड्थ फैक्टर बता सकते हैं, ठीक है। ऑफसेट फ्रॉम लेफ्ट कितना होना चाहिए, राइट कितना होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप ऑफसेट फ्रॉम मार्क की आर्क से कितना दूर रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा 0.5 का डिस्टेंस। यहाँ पे टेक्स्ट की जो हाइट रखी है वो हमने 5 रखी है। इसके अलावा यहाँ पे आप टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो बता सकते हैं, जैसे आपको टेक्स्ट कहाँ रखना है, ऊपर रखना है नीचे रखना है, मतलब अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए टेक्स्ट की, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से मैं कर दूंगा ओके। पहले तो हमें यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, तो जैसे मैंने लिखा PTS CAD एक्सपर्ट, तो इस तरीके से लिखा एंड देन ओके किया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास आ रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप कितना स्पेस वहाँ से छोड़ रहे हैं। तो इस तरीके के चौड़ा इस तरीके से आ रहा है हमारे पास। तो आप टेक्स्ट की हाइट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, अगर जितना आप टेक्स्ट की हाइट रखेंगे उतना ही स्पेस कम होगा और उतनी ही तरीके से वो एडजस्ट होगा आपके पास, ठीक है। बाकी आपके जो ऑटोकैड प्लान है उसके स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने स्केल कौन सा चूज़ किया है, फिर उसी हिसाब से आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी आर्क अलाइन कमांड, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की। सो गाइज अगली कमांड आती है वो है एनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट। एनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कमांड जिसके अंदर आप किसी भी टेक्स्ट को एनक्लोज्ड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इस तरीके के कुछ ग्रिड्स क्रिएट करने हैं, दिख रहा है आपको, जैसे ये प्लान है आपके पास, यहाँ पे मैंने कुछ ग्रिड्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे A1 A2 A3 इस तरीके के आपको कुछ ग्रिड्स देने हैं, और इन ग्रिड्स के अंदर यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके अंदर एक सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर एक टेक्स्ट बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे मैं सिंपली बताऊँ तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि पहले तो टेक्स्ट लिखेंगे, उसके अराउंड सर्कल बनाएंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है और बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल है। तो इसको प्रोफेशनल कैसा साउंड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जब हम काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हमें स्पीड तो चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट के अराउंड सर्कल बना सकते हैं। कैसे, देखिए, तो सबसे पहले तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा, मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट की हाइट में कुछ चेंज नहीं किया है, बाकी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे समय मैंने सपोज़ किया, मैंने लिखा PTS करके, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैंने लिखा और मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसके अराउंड कोई रेक्टेंगल शेप बने या सर्कल शेप बने, तो इसके लिए यहाँ पे हम कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, एनक्लोज ऑब्जेक्ट। तो एनक्लोज ऑब्जेक्ट की कमांड है टी सर्कल। अगर आप लोगों ने हमारी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी तो उसके अंदर एक टी सर्कल कमांड के बारे में मैंने बड़ा जिक्र किया है। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक इस तरह से ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, एंटर करेंगे, एंटर करते यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा डिस्टेंस ऑफसेट फैक्टर, जो कि डिफॉल्टली 0.35 है, जो कि वाकई में काफ़ी इनफ है और एक परफेक्ट आपके पास साइज मिल जाता है। बाकी अगर आप 0.45 करना चाहें, 0.35 करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। तो मैंने यही इसी पे क्लिक किया, एंटर किया। इसके बाद यहाँ पे पूछता है आपको सर्कल चूज़ करना है, स्लॉट चूज़ करना है या फिर रेक्टेंगल चूज़ करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे रेक्टेंगल चूज़ करना है। फिर आपसे पूछेगा कि कांस्टेंट रखना है साइज़ में या वेरिएबल रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया कांस्टेंट, कांस्टेंट में आपका सिंपल इस तरीके से आएगा। तो मैंने क्लिक किया कांस्टेंट में, जैसे आप यहाँ पे हाइट वेट बोथ बता सकते हैं, जैसे मैंने बोथ बताया और इस तरीके से एक प्रॉपर आपके पास साइज़ में आ जाएगा। बोथ इसलिए रखा ताकि आपके पास एक प्रॉपर साइज़ मिले, एक डिफ़ॉल्ट साइज़ मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप एक एनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट के अराउंड। अभी ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ही ड्रॉ किया। अब यहाँ पे ज़रा कंपैरिजन देखिएगा,
अब यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें देखिए और एक इसमें देखिए, दोनों में आप यहाँ पे फ़र्क देख सकते हैं कि एक जो रेक्टेंगल है आपके पास वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन की तरह से आ रहा है, बिल्कुल काफ़ी परफेक्ट है, उसमें हमें कोई खामी नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब हम इसको देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा अनयूजुअल सा है और ऊपर से ही हमें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप इस कमांड के साथ जाएँ, टी सर्कल के साथ ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप डायरेक्ट टास्क पार्क यानी कि यहाँ से लें, तो यहाँ पे जाने के लिए इसके लिए आप जाएं एक्सप्रेस टूल के अंदर, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा दिस इज़ द इनक्लोज ऑब्जेक्ट यानी कि टेक्स्ट सर्कल कमांड। सो आई होप आपको ये कमांड समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ। सो गाइज अब आते हैं हमारी अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ, वो है सुपर हैच। सुपर हैच एक अपने आप में ही बड़ी यूनिक कमांड है, ठीक है। ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी कमांड है। मैं बता दूं कि सुपर हैच को जानने से पहले हमें हैचिंग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि हैचिंग क्या होती है, हम हैचिंग क्यों करते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। उसी के बाद आप यहाँ पे सुपर हैचिंग कर सकते हैं। तो हैचिंग के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि हम हैचिंग क्यों करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है। तो हैचिंग यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर, जैसे मान लीजिए हमने कोई सेक्शन कट करके दिखाया, तो सेक्शन के अंदर ऑब्वियस सी बात है आपको मटेरियल शो करना है। जैसे मान लीजिए आपने कोई वॉल का सेक्शन कट करके दिखाया, तो वॉल के अंदर ऑब्वियस सी बात है आप वॉल का मटेरियल ही शो करोगे, उसके जगह कंक्रीट का तो शो नहीं करोगे, तो वॉल वाला ही पार्ट आपको वहां पे शो करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे अलग अलग आपके पास हैचिंग के ऑप्शन आते हैं, मान लीजिए आप कॉलम दिखा रहे हैं, कॉलम का सेक्शन दिखा रहे हैं, उसका टॉप दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप पूरे डिटेल में दिखा सकते हैं यहाँ पर अपने प्लान को। तो अब आ जाते हैं कि सुपर हैचिंग यहाँ पे क्या है। सुपर हैचिंग हैचिंग का एक एडवांस वर्जन आप मान लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई इमेज को लेकर हैचिंग करनी है, या फिर आपने कोई ब्लॉक बनाया उसकी हैचिंग करनी है, आप किसी भी तरीके की हैचिंग को यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सुपर हैचिंग के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द सुपर हैचिंग ऑप्शन। अलग अलग ऑप्शन हैं आपके पास, जैसे इमेज है, ब्लॉक है, एक्सरेफ अटैच है, वाइप आउट है, या फिर स्टिल एग्जिस्टिंग कोई ऑब्जेक्ट है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल में लेना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे किया इमेज, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई इमेज मैं लेना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से डाउनलोड्स में जाते हैं तो काफ़ी सारी इमेजेस हैं हमारे पास। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ मैं इमेज लेना चाह रहा हूँ और मैंने यहाँ पर ओपन किया, ठीक है, और अटैच इमेज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप अटैच कर रहे हैं या फिर इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले पूछ क्या कह रहा है। यहाँ पे सबसे पहले स्केल पूछ रहा है और उसके बाद स्पेसिफाई और स्क्रीन पूछ रहा है। इन दोनों के ऊपर चेक लगा होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप यहाँ पे स्केल अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ओके किया, और इसके बाद यहाँ पे आप इसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। जितना आपको चाहिए, आप चाह रहे हो कि कितना आप इमेजेस के साइज़ कितना चाह रहे हो आप ये बता सकते हो, क्लिक किया आपने, ठीक है। इसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे यस, एंटर किया, कहाँ पे करना है, किस एरिया में करना है वो बता दिया, ठीक है, अंदर की तरफ करना है, और वहाँ पे जहाँ पे क्लिक किया उसी हिसाब से आ जाएगा, और एंटर कर दिया हमने। और ये देखिए इस तरीके की इमेज टाइप की आप हैचिंग दिखा सकते हो। ये तो खैर एक नॉर्मल मैंने एग्जांपल लिया है। मान लीजिए यहाँ पे हम एक टेक्सचर टाइप का कुछ लेना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे गूगल पे ही आ जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैंने सर्च किया, आप कोई टेक्सचर सर्च कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने सर्च किया मेटल करके, ठीक है। तो जैसे मैंने मेटल सर्च किया तो यहाँ पे आपको मेटल के अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेटल टेक्सचर सर्च कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए काफ़ी सारे अलग अलग मेटल्स हैं। ये देखिए ऐसा मान लीजिए ऐसा कुछ शो करना है, जैसे कि इस तरह का कुछ शो करना है। खैर इस पे तो वाटर मार्क ये नहीं लेंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ये लिया है और यहाँ से मैं इसको सेव एज करूँगा और मैंने इसको कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर सेव, ठीक है। तो हमारी जो इमेज है वो डाउनलोड हो गई है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ हमारे वापस से इसी में ही, और यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाऊँगा और उसके अंदर हम हैचिंग करेंगे। तो मान लीजिए ऐसा कुछ मटेरियल का कुछ दिखा रखा है, मान लीजिए ये सर्कल है और इसी के अंदर ही मुझे दिखाना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा फिर से सुपर हैचिंग के अंदर, ठीक है। इमेज मैंने लिया यहाँ से और डेस्कटॉप के ऊपर जाते हैं, इमेज यही है, ओपन किया, ठीक है, ओके करेंगे। आप बता सकते हैं आपको कितना स्केल करना है, बाहर से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अंदर से ही करें, ठीक है। इतना कर लिया, इसके बाद एंटर किया, बता दिया आपको कहाँ पे करना है, बाहर, मैंने किया बाहर, ठीक है।
ठीक है, अंदर की तरफ किया मैंने, एंड देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आ जाता है। तो दिस इज़ योर ऑप्शन, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। मान लीजिए आपको कोई मेटल दिखाना है, आपको कुछ यूनिक इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके की हैचिंग भी शो कर सकते हैं। या फिर आपके पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे कोई ग्लास का कुछ ऐसे हैचिंग दिखाना है तो आप उसका इमेज चूज़ कर सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल रेफरेंस से कोई ड्राइंग लेके आना चाह रहे हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ एक इमेज का ही ऑप्शन बताया, और भी काफ़ी ऑप्शंस है, काफ़ी ज़्यादा डीप में है। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। सो गाइस, नंबर वन कमांड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट न्यू फंक्शन, ठीक है। हमें एक ऑनरेबल मेंशन करना चाहेंगे, वैसे तो कमांड तो नहीं है लेकिन एक ऐसा फंक्शन है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जैसे काफ़ी बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग डैश लगा के कमांड यूज़ करते हैं। जैसे कि नॉर्मल में मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया यूनिट का, ठीक है। यूनिट जैसे ही हम एंटर करते हैं तो कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आता है। अब आप ये चाहते हो कि डायलॉग बॉक्स आए ही ना, ठीक है, आप ये चाह रहे हो कि मैं विदाउट डायलॉग बॉक्स काम करूँ, मुझे डायलॉग बॉक्स चाहिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जाके आप बार बार में यहाँ पे यूनिट सेट कर रहे हैं, अपना जो है इस तरह से टाइम वेस्ट जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डैश लगा के और यू एन प्रेस करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होता, हम यहाँ पे हम फंक्शंस के थ्रू या कमांड प्रॉम्प्ट बार के थ्रू ही कमांड को एक्सेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे आप दिया हुआ है कि इसके लिए ये वैल्यू है, यहाँ पे 1 से 5 तक की आपके पास चॉइस है। यहाँ पे आपके 1 के लिए ये है, सॉरी साइंटिफिक के लिए 1 है, फिर डेसिमल के लिए यहाँ पे 2 है, इस तरह से इंजीनियरिंग के लिए 3, 4 के लिए आर्किटेक्चर और 5 के लिए फ्रैक्शन। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 प्रेस किया तो एंटर किया, तो आप बता सकते हैं इस तरीके से यूनिट आ रहा है, जैसे 1, 2, 3 आपकी यूनिट के टाइप्स हो गए। तो यहाँ पे बता सकते हो आपको 2 रखना है, 3 रखना है, और ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको डेसिमल डिग्रीज, ग्रेडियंट, रेडियंट, सर्वे यूनिट्स आप बता सकते हैं। तो जैसे मैंने 1 के ऊपर एंटर किया, इसके बाद यहाँ पे आप बता सकते हैं फिट फ्रैक्शन इंचेस, आप बता सकते हो कि आपको कितना रखना है। जैसे कि मेरे को रखना है 2 के बाद, तो आप 2 के बाद बता सकते हैं। फिर एंगल ऑफ डायरेक्शन मैंने रखा 0, और क्लॉकवाइज रखना है एंटी क्लॉकवाइज, मुझे क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ही रखना है, मैंने किया 9। और अब देखिए, अब आपकी यूनिट जो है वो सेट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे कमांड में जाएंगे तो आपको वही ऑप्शन मिले। तो जो भी कमांड्स हैं जिनके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट बार आ रही है, वहाँ पे आप डैश का यूज़ कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम होगा। तो ये था हमारा ऑनरेबल मेंशन। अब आ जाते हैं हमारे नंबर वन कमांड के ऊपर, वो है ऑप्शंस। ऑप्शंस कमांड क्या है? बेसिकली एक ऐसी कमांड है जिसके थ्रू हम ऑटोकैड की सारे के सारे सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये थोड़ा सा एक टेक्निकल कमांड है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन कमांड लगाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आता है जहाँ पे आप ऑटोकैड की सारे फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप डिस्प्ले को देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन एंड सेव बता सकते हैं, ठीक है, सिस्टम वगैरह चेंज करना, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। तो कैसे फाइल को रीसेट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिस्प्ले के अगर हम अंदर आएँ तो यहाँ पे आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बैकग्राउंड में कुछ कलर चेंज करना है, जैसे आपको जो बैकग्राउंड है हमारा, जो यूनिफॉर्म जो बैकग्राउंड आ जाता है नॉर्मली, जो आप ऑटोकैड का अक्सर देखते ही हो, मान लो मुझे उसकी जगह कुछ दूसरा कलर लेना है, मान लीजिए मुझे इसकी जगह सियान कलर लेना है, आप सियान कलर ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं अप्लाई करके ओके करूँ तो आप देखिए कि कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है पूरी तरह से। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको क्रॉस हेयर का कलर चेंज करना है, यहाँ पे ग्रिड लाइंस का कलर चेंज करना है, वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये सारे कलर रिस्टोर करने हैं तो आप रिस्टोर करंट एलिमेंट कर लीजिए और अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अगर आपको वापस से ये कलर चाहिए तो आप रिस्टोर करंट कॉन्टेक्स्ट रिस्टोर कर लीजिए और अप्लाई करके ओके कर दो, तो आपको वापस से वही सेम कलर आ जाएगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको शीट लेआउट का कलर चेंज करना है, मान लीजिए वाइट के बजाय वहाँ पर रखना है ब्लैक, तो आप ब्लैक भी रख सकते हैं। जैसे अप्लाई करके क्लोज किया, और जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, एक सेकंड मैं आपके ओके करके दिखा देता हूँ, ये देखिए आपके पास इस तरह से ब्लैक लेआउट आ रहा है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने ऑप्शंस कमांड में हम फिर से जाते हैं वापस से,
ये देखिए, तो आपके पास डार्क कलर थीम है। इसके अलावा जैसे आपको यहाँ पे ग्रिड्स का व्यू पोर्ट चेंज करना है, अलग अलग ऑप्शन हैं आपके पास। जैसे ये शीट के अंदर ही अगर मैं बताऊँ तो क्रॉस हेयर का कलर चेंज करना है, मान लीजिए मुझे रेड करना है, मुझे और कोई कलर चेंज नहीं करना, तो अप्लाई करके ओके किया। और अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो आपको डायरेक्ट रेड कलर देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं आपको, ये देखिए कर्सर के ऊपर हमारा रेड कलर आ गया। ये सिर्फ हमने पेपर स्पेस से चेंज किया है। अगर आप मॉडल लेआउट में भी चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास वही सेम ऑप्शन है। आप यहाँ पे चले जाएं और ये देखिए, आप यहाँ पे डायरेक्ट कलर्स में जाके चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आऊँगा तो रिस्टोर करंट कॉन्टेक्स्ट, सेव, ओके, क्लोज। तो यहाँ पे हमारा चीज़ें सेव हो गई हैं, ठीक है। इसको भी हम रिस्टोर कर देते हैं, ये भी हो गया। तो अब यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो नीचे हम लास्ट के तीन ऑप्शंस और देखेंगे। जैसे यहाँ पे भी आपको कलर चेंज करना है, जैसे हम ब्लॉक एडिटर की बात करें तो ब्लॉक के कमांड के बारे में सब लगभग सभी को पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, ब्लॉक का मतलब होता है एक टेम्परेरी टाइप ऑफ ग्रुप कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें जो एडिटिंग होती है वो ब्लॉक एडिटर में जाके ही होती है। अभी के लिए मैं फिलहाल इतना ही ओवरव्यू दूंगा। तो यहाँ पे इसके अंदर भी जैसे बैकग्राउंड आपको चेंज करना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शन हैं आपके पास। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लिया, या फिर मैं जैसे मैं ग्रिड्स का जो कलर है उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैंने ग्रिड का कलर चेंज करके सैन कर दिया, तो ये देख सकते हैं, अप्लाई करके ओके किया यहाँ पे। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ब्लॉक है यहाँ पे, अगर ये ब्लॉक जैसे ये देखिए, एक हमारे पास एक ब्लॉक रेफरेंस है, अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए, और ओके किया मैंने यहाँ पे, तो ये देखिए आपके पास एक अलग ही कलर्स आ रहे हैं आपके पास, जो कि नॉर्मली नहीं आते, ये हमने चेंज किए हैं ऑप्शंस में जाके। तो यहाँ पे आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसी में ही कोई अलग कलर देना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कि 3D स्नैप, 2D स्नैप में, या फिर जो रबर बैंड लाइन है आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, लाइटिंग का जो कलर है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, क्रॉस हेयर है, क्रॉस हेयर को जैसे मैं यहाँ पर रेड करना चाह रहा हूँ, या फिर सपोज़ मुझे येलो ही करना है, तो यहाँ पर मैंने ओके किया और इसको भी ओके किया, तो ये देखिए आपका कलर चेंज हो गया है यहाँ पे। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं चीज़ों को चेंज करने के लिए। ये हर एक फेज़ में आपके के लिए काम आएगा। आप अपनी तरफ से जो कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस पे फिर से जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ से मैं कलर्स में फिर से जाऊँगा। हम यहाँ पे फिर से सारी चीज़ें रिस्टोर कॉन्टेक्स्ट कर लेते हैं ताकि वापस से नॉर्मल हो जाए, अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो ये वापस से हमारा लेआउट आ गया है। अब इसके लिए अगर मैं बताऊँ तो जो हमारी ऑप्शंस कमांड है या फिर जो ऑप्शन है पूरे ऑटोकैड का, उसे दो तरीके से भी एक्सेस किया जा सकता है। अभी जैसे मैंने तो बताया कि एक ऑप्शन कमांड तो है ही, एक ड्राफ्ट सेटिंग कमांड के थ्रू भी से भी हम कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट सेटिंग कमांड के अंदर एक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही सेम चीज़, वही सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ड्राफ्ट सेटिंग यूज़ कर सकते हो या फिर आप ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप आ जाए यहाँ पे। साथ ही साथ में हम फाइल फॉर्मेट्स के बारे में भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कलर्स के बारे में तो थोड़ा सा ओवरव्यू दिया ही, इसके अलावा जैसे मैं यहाँ पे जो हमारी ऑटोकैड की फाइल नॉर्मली जो सेव होती है वो भी आप बता सकते हो। मान लीजिए नॉर्मल आमतौर पर जब भी हम जैसे अभी मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ 2021, मान लीजिए आप 2014 यूज़ कर रहे हैं, 17 यूज़ कर रहे हैं, जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप यहाँ पे जाकर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अर्लियर वर्जन में ही सेव करना है, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने बता दिया मेरा 2010 वर्जन में सेव होगा और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। अब जैसे मैं यहाँ से ब्लॉक एडिटर से तो पहले बाहर आता हूँ, ओके, और यहाँ से मैंने जैसे किया सेव एस, ठीक है, मैंने यहाँ से सेव एस किया, तो सेव एस करते हैं हमारे पास डायरेक्ट 2010 का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इनिशियल जो ऑप्शन आएगा सेविंग करने का वो यही आएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस हम वही आ जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आपको अपरेचर साइंस चेंज करना है, आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे ऑटो स्नैप मार्कर है, मोस्टली ग्रीन आता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया ब्लू, येलो, ग्रीन वगैरह, जो भी आप चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए मेरे को करना है मेजेंटा, तो मैं मेजेंटा करना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए मेजेंटा चेंज हो गया है यहाँ पे, अप्लाई कर लीजिए। और अब देखिए मान लीजिए आपको कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने क्या किया, ये देखिए आपके पास इस तरह से आ रहा है,
ये देखिए पिंक कलर शो हो रहा है आपको, और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में, क्योंकि पिंक और सियान थोड़े से मैच से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो वापस हम कमांड में जाएंगे, बहुत ही बड़ी कमांड है अपने आप में, आप चाहे इसमें जितना भी एक्सप्लोर कर ले उतना कम है, जितना एक्सप्लोर करें उतना कम है ये कमांड। तो यहाँ पे आप वापस से, मैं इसको रिस्टोर कर लेता हूँ करंट के लिए, और ये वापस से रिस्टोर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप रेचर साइज़ आपको बड़ा करना है, जितना बड़ा करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये ऑटो स्नैप मार्कर तो हमने चेंज किया ही, इसके अलावा यहाँ पे आप अपरेचर साइज़ भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे आपके पास सिलेक्शन प्रोफाइल है आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पिक बॉस साइज़ जो आता है नॉर्मली आप उसको देख चेंज कर सकते हैं, और जो ग्रिप मार्कर्स हैं आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम इनके जो कलर्स हैं वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली जो हमारा कलर आता है, मान लीजिए मुझे ग्रीन करना है, और ओके कर दीजिए, और आप देखिए तो जैसे आप लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ग्रीन ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑप्शन। अब यहाँ पे फाइनल पे आ जाता है प्रोफाइल के ऊपर। मान लीजिए आपको पूरा ऑटोकैड रीसेट करना है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शंस इधर उधर हो गए, काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो गई, मान लीजिए आपको पूरा ऑटोकैड रीसेट करना है, तो खाली आपको क्या करना, कुछ नहीं है, रीसेट पे क्लिक करें, डू यू वांट टू रीसेट द ऑटोकैड प्रोफाइल, यस, और अब आप देखिए आपका जो पूरा ऑटोकैड है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली रीसेट हो चुका है। जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपकी जगह नॉर्मल आ गई, क्रॉस हेयर जो साइज़ है वो भी आपका चेंज होता हुआ नज़र आ गया, ठीक है। इस तरह से जब आप क्लिक कर रहे हो तो जो मेन चीज़ थी वही रीसेट हुई है, बाकी जो ऑप्शंस में हमने चेंज किए थे वो एज इट इज़ है। तो दिस इज़ द होल ऑटोकैड ऑप्शंस, यही वो कमांड्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट हैं। तो ये थी हमारी ऑटोकैड की टॉप 5 कमांड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है, इनके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो मैं ये बता दूं कि आप इन कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इन कमांड्स का यूज़ तब करें जब आप कहीं अटक जाएं, या फिर आपको लगे कि ये काम ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर जो टेक्स सर्कल मैंने आपको बताया, आर्कलाइन बताया, अलग अलग ऑप्शन हैं आपके पास, जिस कमांड के ऊपर आप वर्क करना चाह रहे हैं आप उस पर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कमांड हेल्पफुल लगी होंगी, समझ में भी आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। हम ऐसे यूनिक कंटेंट के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, और हाँ, हमने ऑटोकैड के ऊपर कोर्सेज डाले हुए हैं ऑन आवर PTS CAD एक्सपर्ट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही, टिल देन दिस इज रजत फसलिया सिंह, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम PTS CAD एक्सपर्ट। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट।